नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए ने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्री सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम ह्यूमन डिसीज, विटामिंस, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टर के प्री सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्री सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। इस चैप्टर में मैं आपको 69 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। आप सभी को पता है हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ में हल करते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट हल करवाता हूं, फिर उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में, LP टेक्नीशियन में, RRBJEE में, RPF में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अब तक हम हृदय की कार्यप्रणाली से संबंधित डायग्राम की सहायता से जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके। ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया, ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें हमने आर्टरी वेंस कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा, ब्लड क्लोटिंग किस तरीके से होती है, रक्त का थक्का किस तरीके से जमता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, RBC से संबंधित जाना और हीमोग्लोबिन से संबंधित जाना और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। और इन सभी चीज़ों से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन भी हल किए हमने। लास्ट एंड फाइनल हमारा इस क्लास में जो टॉपिक रह रहा है वो रह रहा है WBC। तो इस क्लास में मैं आपको WBC से संबंधित कॉन्सेप्ट हल करवाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ और यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ग्रुप डी में, NTPC में, ALP टेक्नीशियन में, RRBJEE में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर करवाने वाला हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, मजा आएगा वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगी। देखिए भैया, WBC ध्यान से समझना, WBC क्या है? तो आप सभी को पता है आपके ब्लड में पाई जाने वाली एक कोशिका है WBC। इस WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफेद लिख दीजिए, सफेद लिख लीजिए, एक ही बात है, सफेद रुधिर कोशिकाएं। ये WBC का पूरा नाम होता है, लेकिन साइंस में इसे हम WBC नहीं कहते, साइंस में इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ल्यूको शब्द अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो समझ लेना है कि उसका मतलब होता है व्हाइट, और व्हाइट को कहा जाता है सफेद, और साइट्स का मतलब होता है सेल, और सेल का मतलब होता है कोशिका। तो वह कोशिका जो सफेद रंग की है और आपके ब्लड में है, उस कोशिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, उस कोशिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट साइंस में किसे कहते हैं? WBC को कहते हैं। WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिका। वह कोशिका जो रुधिर में होती है और श्वेत रंग की होती है, वह कोशिका होती है WBC। तो किसी को या तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। ओके, अब बात करते हैं इसके क्वांटिटी की, इसकी संख्या की, कि भैया इसकी संख्या कितनी होती है। क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी, इसकी संख्या कितनी होती है भैया? इसकी होती है भैया 8000 से लेकर के 10000 प्रति 100 ml HB, यानी प्रत्येक 100 ml हीमोग्लोबिन में इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है भैया 8000 से 10000। 6000 से 8000 भी बहुत सारी पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है? एवरेजन 8000 से लेकर के 10000 होती है प्रत्येक 100 ml हीमोग्लोबिन में। मैंने आपको कहा था जब आरबीसी से संबंधित मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट सिखाया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि आकार में सबसे बड़ी WBC होती है, उससे छोटी प्लेटलेट्स होती है और उससे छोटी RBC होती है, लेकिन संख्या में सबसे बड़ी कौन सी होती है? RBC होती है। उससे छोटी WBC होती है और उससे छोटी प्लेटलेट्स होती है और उससे छोटी WBC होती है। मैं आपको लिखवा देगा,
अगर हम संख्या की बात करें तो भैया संख्या में सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, फिर उससे छोटी प्लेटलेट्स और उससे छोटी डब्ल्यूबीसी। ये तो हो गई भैया संख्या की बात। लेकिन अगर हम साइज में बात करें, आकार में बात करें, तो आकार में सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, उससे छोटी होती है प्लेटलेट्स और सबसे छोटी होती है आरबीसी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं में जो डब्ल्यूबीसी होती है भैया वो सबसे बड़ी होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी है भैया? तो डब्ल्यूबीसी है, आप देख सकते हो आकार में। और संख्या में सबसे बड़ी आरबीसी है। संख्या में आरबीसी मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हजारों में होती है। और कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या? तो 8000 से लेकर के 10000 होती है भैया प्रत्येक 100 ml हीमोग्लोबिन। अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण एक्चुअली में होता कहाँ है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया बोन मैरो में होता है। अरे जहाँ पर भैया आपके ब्लड का निर्माण होगा उसी जगह में तो इस डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, क्योंकि ब्लड का ही एक भाग होता है डब्ल्यूबीसी, ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका है डब्ल्यूबीसी। तो भैया इसी अस्थि मज्जा में ही किसका निर्माण होता है? इसी अस्थि मज्जा में ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो अस्थि मज्जा होता है, आपके शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती है, इन हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग को ही बोन मैरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। और अस्थि मज्जा भी दो भागों में बटा हुआ होता है। इसका एक भाग होता है रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा, यानी कि लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। आरबीसी रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका है जो लाल रंग की होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, वह कोशिका जो आपके ब्लड में है और लाल रंग की है वो होती है आरबीसी। इसका निर्माण कौन करता है? लाल अस्थि मज्जा करता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लाल अस्थि मज्जा, लाल रुधिर कोशिका और लाल अस्थि मज्जा। और दूसरी तरफ एक होती है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो यानी कि पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। इस पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और प्लाज्मा का निर्माण होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछे तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो पहली बात तो बोन मैरो में, अगर बोन मैरो ऑप्शन में ना हो तो येलो बोन मैरो करके आ जाना, और आरबीसी के बारे में पूछे तो रेड बोन मैरो करके आ जाना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, मैं मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। वो कहाँ गया भैया मिटाने वाला? अब इसके जीवन काल की बात करते हैं, इसके जीवन काल की बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है। कोई बताएगा मुझे इस डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? भाई इस डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से लेकर के 4 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लेकिन उसकी मृत्यु कहाँ होती थी? तो किसी अन्य ऑर्गन के पास होती थी, लीवर के पास होती थी, लेकिन लीवर के पास कम होती थी। ज्यादा मृत्यु कहाँ होती थी? पलिया में। इसलिए हमने पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा था, वहां पर ही इसका पुनर्निर्माण होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, डब्ल्यूबीसी मरने के लिए दूसरे ऑर्गन के पास नहीं जाती है, आरबीसी की तरह इसकी मृत्यु भैया ब्लड में ही होती है, इसकी मृत्यु ब्लड में ही होती है। मैंने आपको बताया था कि जो पलिया होता है उसी पलिया में आरबीसी का पुनर्निर्माण होता है, पलिया में ही मृत्यु होती है, लेकिन भैया पुनर्निर्माण किस में होता है? आरबीसी का, पलिया में ही होता है। तो यहाँ पर ब्लड में ही मृत्यु हो तो ज़्यादा सभी डब्ल्यूबीसी का पुनर्निर्माण तो नहीं होता, यानी कि पुनर्विकास तो नहीं होता, पुनर्जीवित तो नहीं होती, लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिनका पुनर्निर्माण होता है भैया, जिनका पुनर्निर्माण होता है आपके ब्लड में ही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जीवन काल के बारे में पूछे तो 2 से 4 दिन बता देना, और इसकी मृत्यु ब्लड में ही होती है, थोड़ा बहुत इसको पुनर्निर्माण होता है वो ब्लड में ही होता है। अब बात आती है कि इसका आकार कैसा होता है। तो याद रखना जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका आकार अनिश्चित होता है,
जो WBC होती है इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है भैया। WBC का आकार अनिश्चित का मतलब यह है कि किसी भी शेप में हो सकती है, ये किसी भी शेप में मिल सकती है आपको भैया। ये जो WBC होती है ये आपको किसी भी शेप में मिल सकती है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, ये अनिश्चित होती है, ये अनिश्चित होती है, याद रखना। अमीबा का बारे में नाम सुना है आपने? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसका आकार भी अनिश्चित होता है, उसका आकार भी अनिश्चित होता है भाई, उसका शेप भी कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग हो सकता है। तो कभी कभी बहुत सारे पुस्तक वाले, बहुत सारे टीचर आपको ये भी बताते हैं कि भाई WBC का आकार कैसा होता है, तो अमीबा के समान होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ऐसा जीव है जिसका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से हुआ है और वो कोशिका अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो WBC के अगर आकार के बारे में पूछे तो कभी कभी ऑप्शन में अगर ये आ जाए कि अमीबा के समान होता है तो राइट आंसर करके आ जाना कि WBC का जो आकार होता है अमीबा के समान होता है। अमीबा का आकार भी अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी शेप में हो सकती है, इसलिए जो WBC होती है उसका आकार भी अनिश्चित होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। अब मुझे यह बताओ क्या WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है क्या? मैंने आपको बताया था कि जो स्तनधारी होते हैं उनके RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद है, ऊंटलामा जिराफ और स्तनधारियों की जो RBC थी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया गया था, लेकिन यहां पर हम WBC की बात करें तो WBC जो होती है उनमें भैया न्यूक्लियस पाया जाता है और बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली पाया जाता है। तो अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें, मैं इसे मिटा दूं क्या? हाँ मैं मिटा देता हूँ। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया WBC में बहुत अच्छे तरीके से उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो दोनों ही अच्छी तरीके से उपस्थित होते हैं भैया, किसमें? इस WBC में। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो इन चीजों के बारे में मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रुधिर परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में मुख्य रूप से तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक हृदय के बारे में, एक ब्लड के बारे में और दूसरा ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वाला चैप्टर मैंने आपको अलग से पढ़ा रखा है, तो ब्लड वाले चैप्टर में मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया, प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ाया, RBC के बारे में पढ़ाया, WBC के बारे में पढ़ाया, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाया और ब्लड ग्रुप से संबंधित मैंने अलग से आपको चैप्टर करवा रखा है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में भी अलग से पढ़ा रखा है। वैसे तो उसे ब्लड वाले चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आपको अलग से पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। हृदय के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जो WBC होती है उसके बहुत सारे नाम होते हैं भैया, अब यहाँ से ध्यान से समझना, आदर्श नेम, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इस WBC के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे कि इसे फाइटर सेल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? फाइटर सेल कहा जाता है, इसे लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है, लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है। किससे लड़ती है भाई? तो इन्फेक्शन से, संक्रमण से लड़ने का काम करती है, कोई वायरस से, कोई बैक्टीरिया से, कोई सा बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे लड़ने का काम करती है WBC। कैसे लड़ने का काम करती है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। दूसरा स्क्वेंजर सेल के नाम से जाना जाता है, इसे सफाई कर्मी कोशिका के नाम से जाना जाता है, इस सेल सफाई कर्मी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये भैया सफाई करने का काम करती है ये कोशिका, किसकी सफाई करती है? अरे भाई वायरस की, बैक्टीरिया की, कोई से इन्फेक्शन की, कुछ संक्रमण की जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उनको बिल्कुल सफाई कर देती है, जड़ से खत्म कर देती है ताकि हमारे शरीर को बीमारी नहीं कर सके। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इसे बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा नंबर चार पर इसे सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। जिस तरीके से एक सैनिक अपनी बॉर्डर की सुरक्षा करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो WBC होती है हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। जिस तरीके से एक बॉडीगार्ड एक नामी हस्ती को, एक एक्टर को, एक बड़े लीडर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो WBC होती है हमारे शरीर में बॉडीगार्ड की तरह होती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। किससे? इन्हीं बाहरी पार्टिकल से जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो बाहरी पार्टिकल कोई भी हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है,
कोई सा भारी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, इन सभी से सुरक्षा करने का काम करती है आपकी डब्ल्यूबीसी। इसी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है, और इसी ही डब्ल्यूबीसी को इम्यून सेल कहा जाता है। अब फेगोसाइटिक सेल क्यों कहा जाता है, भक्षण करने वाली कोशिका क्यों कहा जाता है, इम्यून सेल क्यों कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि भैया जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको इन सभी नामों से जाना जाता है। लड़ने वाली कोशिका स्क्वेंजर सेल, बॉडीगार्ड सेल, सैनिक कोशिका सोल्जर को सेल, फेगोसाइटिक सेल और इम्यून सेल, इन सभी नामों से जाना जाता है भैया। किसको? आपकी डब्ल्यूबीसी को। ये सैनिक कोशिका से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से किस ब्लड कोशिका को या किस रुधिर कोशिका को सैनिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। सैनिक की संज्ञा दी गई है तो भैया डब्ल्यूबीसी को दी गई है। क्यों दी गई है, अभी आपको आगे जस्ट अभी जो मैं आपको पॉइंट सिखाने वाला हूं उसमें सबको समझ में आ जाएगा। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। ओके, अब मैं मिटा दूं इसको। ओके, अब देखिए भैया, अब डब्ल्यूबीसी के कार्य के बारे में बात करते हैं। भाई डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, क्यों कहा जाता है इसे लड़ने वाली कोशिका, क्यों कहा जाता है भैया इसे सफाई करने वाली कोशिका, क्यों कहा जाता है इसे सैनिक कोशिका, क्यों कहा जाता है इसे बॉडीगार्ड सेल्स, क्यों कहा जाता है इसे फेगोसाइटिक सेल, क्यों कहा जाता है इसे इम्यून सेल। देखिए भैया, आरबीसी का काम क्या था? आरबीसी का काम था भैया कि आपके फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को आपके शरीर की कोशिका, ऊतक और अंगों के पास पहुंचाना, और वहां से भैया कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके फेफड़ों तक लेकर के अंदर, फेफड़ों से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती थी। ये काम था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, किसका? आरबीसी का। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। हमारे सब समझ में आएगा, अभी रुकिए। हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। कौन करती है भाई? डब्ल्यूबीसी। मैंने कहा कि आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है कौन? डब्ल्यूबीसी। अब इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है तो वो बताइए। तो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करती है वो करती है आपकी डब्ल्यूबीसी। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है वो डब्ल्यूबीसी करती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी कि हमारे शरीर को जो डब्ल्यूबीसी होती है वो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। आपने सुना होगा इम्यूनिटी का मतलब होता है, इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम से आया है। इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक तंत्र, नहीं प्रतिरक्षी तंत्र होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है भैया हिंदी में प्रतिरक्षी तंत्र, सॉरी प्रतिरोधक नहीं, प्रतिरक्षी तंत्र। ऐसा तंत्र जो आपको बीमारियों से बचाता है, ऐसे तंत्र को कहा जाता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र। ऐसा सिस्टम जो आपको बीमारियों से बचाता है, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र। और ये इम्यून सिस्टम से ही इम्यूनिटी आई है भैया। आपने सोचा होगा जब भी कोई कोरोना का टाइम आया था तो उस समय आपने सुना होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको ये कोरोना जल्दी से इफेक्ट नहीं करता, उस पर जल्दी से प्रभाव नहीं डालता। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, वह क्षमता जो रोगों से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है, रोगों से लड़ने का काम करती है। अगर आपके शरीर के का इम्यून सिस्टम सही है तो आप जल्दी से आपको बुखार नहीं आएगा, जल्दी से आपको कोई बीमारी नहीं होगी,
क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, वह सिस्टम जो आपको बीमारियों से बचाता है उस सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र। और इसी इम्यून सिस्टम से इम्यूनिटी आई है। इम्यूनिटी को कहा जाता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। तो जो WBC होती है वो आपके शरीर में इम्यूनिटी देने का ही काम करती है, आपके शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती है। अब किस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता देती है वो देखिए, मैंने अभी आपको नाम बताया था लड़ने वाले कोशिका कहा जाता है, किससे लड़ने का काम करती है वो, इन्फेक्शन से, कोई बाहरी पार्टिकल से जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। देखिए मैंने कहा कि इम्यूनिटी देती है। कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन का मतलब कोई संक्रमण, कोई सा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मान लीजिए भैया ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन आपके शरीर में प्रवेश कर गया, तो सबसे पहले आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो जो ब्लड है, इस ब्लड में आया कौन, ये बैक्टीरिया। खा पे आएगा, आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो ब्लड में ही तो आएगा। तो ब्लड में अगर ये बैक्टीरिया आया तो ब्लड ने इसको पहचाना, इसने देखा कि ये तो कोई संक्रमण है, ये तो कोई इन्फेक्शन है, ये कोई बाहरी पार्टिकल है, ये हमारे शरीर में नहीं है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे मारना जरूरी है। तो ये ब्लड में पाई जाती है भैया ये WBC, और WBC का आकार कोई निश्चित नहीं है। तो WBC का आकार कैसा होता है मैं आपको यहां से समझाता हूं। मान लीजिए ये इन्फेक्शन है और ये आपके, मान लीजिए ये आपकी WBC है। WBC में ये केंद्रक होता है, WBC में ये क्या होता है, ये केंद्रक होता है, ये WBC है और ये क्या है, ये इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है या फिर बैक्टीरिया है, मैं ये लिख देता हूं। तो जैसे ही इस WBC ने इस बैक्टीरिया को देखा, जैसे ही इस WBC ने इस बैक्टीरिया को देखा, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, एक मिनट रुकना। देखिए भैया, जैसे ही इस WBC ने इस इन्फेक्शन को पहचाना, इस बैक्टीरिया को देखा, और देखते ही ये क्या कर देती है, देखो केंद्रक के, और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये जो कोशिका झिल्ली होती है जो आपके कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, इसके और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव होता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। तो सबसे पहले ये कोशिका द्रव को बढ़ा लेती है, ये कोशिका जो द्रव होता है उसको बढ़ा लेती है। तो भैया ये बढ़ गया, और बढ़ा करके ये क्या करती है, ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो सेकंड स्टेप में इस बैक्टीरिया के पास आ जाती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये मैंने छोटा बना दिया, कहने का मतलब बड़ा बनाऊं क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन्होंने साइटोप्लाज्म को बढ़ाया, तो मान लीजिए ये इन्फेक्शन है, यार क्या हो रहा है, डायग्राम नहीं बन रहा, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है। अब ये क्या करता है, ये अपना साइटोप्लाज्म को बढ़ा लेता है, ये न्यूक्लियस हो गया, अब ये साइटोप्लाज्म को बढ़ा लिया और इसके पास आ गया, और उसने झूठी टांगे बना ली, तो इसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया, इसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या हो रहा है यार, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो का मतलब होता है भैया फाल्स, यानी कि झूठी, और पोडियो का मतलब होता है लेग्स, यानी कि टांगे। तो ये झूठी टांगे बना लेता है, और भैया किसके पास आ जाता है, इस बैक्टीरिया के पास आ जाता है, किसके पास आ जाता है, इस बैक्टीरिया के पास आ जाता है। ये आपको दिख रहा है कि स्यूडोपोडिया, ये जो मैंने लिखा है, मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, ये झूठी टांगे बना लेता है, देखो स्यूडोपोडिया, स्पोडिया का मतलब होता है लेग्स, यानी कि टांगे, और स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, यानी कि झूठी। तो ये झूठी टांगे बना लेता है, अपने झूठे हाथ पैर बना लेता है, झूठी टांगे इस बैक्टीरिया के पास ले आता है। ये दूसरी स्टेप में, पहले स्टेप में तो कोशिका जो द्रव है उसको बढ़ाया, और फिर भैया बढ़ा करके क्या करता है, इसके पास झूठी टांगे बना करके इसके पास आ जाता है, और तीसरी स्टेप में ये क्या करता है, इसका भक्षण कर लेता है, इसको भक्षण कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये WBC है, ये इसका केंद्रक हो गया, और ये इसको अंदर ले लिया, तो अब इसको अंदर ही अंदर इस बैक्टीरिया को मार देता है, नष्ट कर देता है। और ये जो सारी प्रोसेस है, इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है भैया फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, भक्षण करने की विधि, भक्षण
करने की विधि। जो अमीबा होता है भैया वो भी कुछ इस तरीके से ही अपना शिकार करता है, और वह कोशिका जो भैया फेगोसाइटोसिस यानी कि भक्षण करने की विधि करती है, यानी कि वह कोशिका जो भक्षण करने में सहायक होती है उस कोशिका को कहा जाता है फेगोसाइटिक सेल। उसे क्या कहा जाता है? उसे फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, भक्षण करने वाले कोशिका कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से भैया आपकी जो WBC होती है वो भारी जो इन्फेक्शन आता है जिसे कोई वायरस हो गया कोई बैक्टीरिया हो गया कुछ इस तरीके से उसका उससे लड़ने का काम करती है, उसको भक्षण करने का काम करती है भैया। इसलिए WBC को क्या कहा जाता है? इसलिए WBC को लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है। किससे लड़ने का काम कर रही है? इस बाहरी पार्टिकल से, इस वायरस से, इस बैक्टीरिया से, इस इन्फेक्शन से, ऐसा कोई भारी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे लड़ने का काम करती है भैया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? सफाई कर्मी कोशिका कहा जाता है, सफाई करने वाली कोशिका कहा जाता है स्क्वेंजर सेल। किसकी सफाई करती है भैया? ये भैया इसी बाहरी पार्टिकल की, कोई वायरस बैक्टीरिया की, इन्फेक्शन की, संक्रमण की सफाई करने का काम करती है। सैनिक कोशिका क्यों कहा जाता है इस WBC को? जिस तरीके से सैनिक अपने बॉर्डर की रक्षा करता है ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करने का काम कौन कर रही है? WBC, इन वायरस से, इन बैक्टीरियाओं से लड़ करके। बॉडीगार्ड सेल, जिस तरीके से बॉडीगार्ड एक नामी हस्ती को, किसी एक्टर को या किसी बहुत अच्छे पॉलिटिक्स को भैया जिस तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है ठीक उसी तरीके से WBC भी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, इसलिए बॉडीगार्ड सेल कहा गया। फेगोसाइटिक सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये भक्षण करने का काम कर रही है जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरीके से ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इस तरीके से भक्षण करती है, और भक्षण करने की जो विधि होती है इसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, भक्षण करने की विधि। और जो कोशिका ये भक्षण करती है उन्हें कहा जाता है फेगोसाइटिक सेल। इम्यून सिस्टम का ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है भैया WBC, इसलिए इसके इतने सारे नाम है भैया। अब आशा करता हूँ आपको WBC के कार्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको WBC के प्रकार पढ़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मिटा दो इसको। ओके, अब देखिए भैया आपकी जो WBC होती है ये WBC के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुख्य रूप से आपकी जो WBC होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइटिस WBC और दूसरी होती है एक ग्रेन्युलोसाइट WBC, यानी कि कणिका में WBC और अकणिका में WBC। फिर आज ही की क्लास में भैया इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि अब आपकी एग्जाम आने वाली है भैया। अभी तो नहीं आएगी कहने का मतलब, पर अभी तो हमारे 4 चैप्टर हुए हैं, 5वां चैप्टर है, तो हमें जल्दी जल्दी भैया क्या हो रहा है आज यार, तो जल्दी जल्दी हमें क्या करना है भैया, हमारे चैप्टर क्लियर करने हैं, जल्दी जल्दी हमारे चैप्टर क्लियर करने हैं, ठीक है। वैसे मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है आपको ब्लड वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको WBC के प्रकार, WBC संबंधित बहुत सारी जानकारी दे रखी है। देखिए भैया टाइप ऑफ WBC के प्रकार, जो WBC होती है वो दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझना। ग्रेन्युलोसाइट्स WBC, हिंदी में कहा जाता है इसे कणिका में WBC, और दूसरी होती है एक ग्रेन्युलोसाइट्स WBC, अकणिका में WBC, अकणिका में WBC। ऐसी WBC जिसके पृष्ठीय क्षेत्र में, ऐसी WBC जिसके पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं ऐसी WBC को कहा जाता है भैया कणिका में WBC। WBC को क्या कहा जाता है? कणिका में WBC कहा जाता है। एक मिनट रुकना यार, ये पेज गिर गए। ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं ऐसी WBC को क्या कहा जाता है? ऐसी WBC को कहा जाता है भैया कणिका में WBC। देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, WBC दो प्रकार के थी, ग्रेन्युलोसाइट WBC और एक ग्रेन्युलोसाइट WBC। ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर,
जैसे मान लीजिए कोई WBC है और उसमें एक केंद्रक है, तो इसकी पृष्ठीय सतह पर अगर छोटे छोटे कण मौजूद है तो ऐसी WBC को कहा जाता है कणिका में WBC। और ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी कण मौजूद ना हो, ये कण मौजूद ना हो, वो होती है अकणिका में WBC। अभी जो कणिका में WBC होती है तीन प्रकार की होती है, और ये होती है भैया अकणिका में WBC दो प्रकार की। पहली होती है इसिनोफिल्स WBC, इसिनोफिल्स WBC। दूसरी होती है भैया बेसोफिल्स WBC, और तीसरी होती है भैया न्यूट्रोफिल्स WBC, न्यूट्रोफिल्स WBC। इधर पहली होती है भैया मोनोसाइट WBC, मोनोसाइट WBC, और दूसरी होती है भैया लिम्फोसाइट WBC। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आकार में जो WBC होती है वो कौन सी WBC आकार में सबसे बड़ी होती है, तो अगर आकार के बारे में पूछे, अगर आकार के बारे में पूछे तो आकार में जो सबसे बड़ी WBC होती है, जो सबसे बड़ी WBC होती है वो मोनोसाइट होती है, और जो लिम्फोसाइट होती है वो आकार में सबसे छोटी होती है भैया इन पांचों में। पांच हो गए ना टोटल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो पांचों में आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट, सबसे छोटी WBC न्यूट्रोफिल्स WBC। लेकिन भैया अगर संख्या की बात करें, प्रतिशत की बात करें, मात्रा की बात करें, तो मात्रा में लगभग न्यूट्रोफिल्स जो WBC होती है वो 60 से लेकर 65% होती है अकेले। ये भैया जो बेसोफिल WBC होती है ये 0.1 से लेकर 0.5% में होती है। जो इसिनोफिल्स WBC होती है 2 से लेकर 6% होती है। जो मोनोसाइट WBC होती है भैया ये होती है भैया आपको क्या बताऊं 6 से लेकर 8% के आसपास होती है। ये 20 से 25% होती है, 20 से 25% होती है भैया, और ये 6 से लेकर 10% के आसपास होती है, 6 से 8% होती है। कितनी होती है ये 6 से लेकर 8% होती है भैया। अब आप देख लीजिए टोटल 100% के आसपास हो चुका है मामला। देखिए 60% ये है, तो अगर ये 60 है तो भैया, अगर ये 60 है तो 20, 80 तो यही हो गए, और कहने का मतलब 5-5% जैसे कि 65 है तो उधर 25 आ गए, तो 65 और 25 कितने हो गए, 65 और 25 कितने हो गए, 65 और 5 70, और 70 और 20 90। और देखो 6 से 8% में ये, 2 से 6% में ये, और 0.1 से 0.5% में, तो टोटल लगभग मान होता है ये भैया, ओवरऑल नहीं होता है, कहने का मतलब ये। तो मैंने आपको लगभग में मान बताए हैं इसके। तो जो न्यूट्रोफिल्स WBC है वो मात्रा में सबसे ज़्यादा होती है। ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भाई सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी WBC उपस्थित होती है, तो न्यूट्रोफिल्स होती है, और सबसे कम मात्रा में कौन सी WBC होती है, तो सबसे कम मात्रा में भैया जो WBC होती है, ये मात्रा की बात कर रहा हूँ, तो भैया बेसोफिल WBC होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% में, 0.1 से 0.5% में बेसोफिल्स WBC होती है, जो कि सबसे कम होती है भैया मात्रा में। तो इतनी बात क्लियर है, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये जो पांच प्रकार की WBC होती है इनके केंद्रक आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इनके केंद्रक का आकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन केंद्रों का आकार कैसे होता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और WBC होती है उसके केंद्र का आकार कैसे होता है, बेसोफिल्स और WBC होती है उसके केंद्र का आकार कैसे होता है, इसिनोफिल्स WBC होती है उसके केंद्र का आकार कैसा होता है, ठीक है, मोनोसाइट जो WBC होती है उसके केंद्र का आकार कैसा होता है, लिम्फोसाइट जो WBC होती है उसके केंद्र का आकार कैसा होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बोलो ले लिया आपने, ओके भैया। अब देखिए भैया इनका आकार कैसा होता है, भाई इनका आकार कैसा होता है, पांच प्रकार के WBC बताए मैंने आपको, बताई इसिनोफिल्स WBC, बेसोफिल्स WBC, न्यूट्रोफिल्स WBC, मोनोसाइट WBC और लिम्फोसाइट WBC। अब इनके केंद्रक का आकार कैसा होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इनके केंद्रक के आकार से, ध्यान से समझना एक एक। अगर आपसे इसिनोफिल्स WBC के बारे में पूछे कि भैया जो इसिनोफिल्स जो WBC होती है उस इसिनोफिल्स WBC के केंद्रक का आकार कैसे होता है, उस इसिनोफिल्स WBC के केंद्रक का आकार कैसा होता है, तो याद रखना जैसे मान लीजिए ये इसिनोफिल्स WBC है, तो इसका केंद्रक का जो आकार होगा
वो कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे दो केंद्रक पाए जाएंगे, केंद्रक तो एक ही पाया जाएगा लेकिन ये दो लोब में बटा हुआ होगा और इन दोनों लोबों के बीच का जो अंतर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस तरीके से होंगे भैया, ठीक है, इस तरीके से होंगे। दूसरा बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, ये जो बेसोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी है, इस बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी के जो केंद्रक का है उसमें भैया ये जो गैप है दोनों लोब्स के बीच में, ये दोनों लोब्स के बीच में जो गैप है ये कम हो जाता है, ये गैप है ये थोड़ा कम हो जाता है, ये गैप है भैया ये थोड़ा कम हो जाता है, ये थोड़ा गैप है ये कम हो जाता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है भैया, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो न्यूट्रोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी होती है, न्यूट्रोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी होती है जब वो अपरिपक्व होती तो अपरिपक्व के समय तो इसमें बहुत सारे आपको केंद्रक देखने को मिलते हैं ऐसे, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाती है तो परिपक्वता के पश्चात भी इसमें जो केंद्रक आपको देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ऐसे तीन चार केंद्रक आपको दिखाई देते हैं भैया, चार भी हो सकते हैं, तीन भी दिखाई दे सकते हैं, ऐसे अलग अलग डब्ल्यूबीसी में अलग अलग होता है। नंबर चार पर जो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी है, जो मोनोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी है, इस मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का जो केंद्रक होता है भैया वो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कोशिका है, कौन सी डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, इसका केंद्रक भैया आपके किडनी के समान होता है, किसके समान होता है, आपके किडनी के समान होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है भैया, कुछ इस तरीके से इसका केंद्रक दिखाई देता है, ये ऐसे केंद्रक दिखाई देते हैं, इनको मैं भर ही देता हूं, इसमें और इसमें फर्क है, ये दो लोब में बटा हुआ है, इनके बीच का स्थान कम है, इन दो लोबों के बीच का स्थान ज्यादा है, ये किडनी के शेप की है भैया, और यहां पर ये अपरिपक्व न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी है भैया, तो मैच्योर होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। नंबर पांच पर लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, इस लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का जो केंद्रक होता है भैया वो थोड़ा आपको बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ऐसे बड़ा दिखाई देता है भैया, जिससे पूरी डब्ल्यूबीसी ही भरी हुई है। अब ये दोनों जो कोशिका है, ये दोनों जो कोशिका है, ये दोनों कोशिका तो एक ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसके पृष्ठीय क्षेत्र पर, जिसके पृष्ठीय क्षेत्र पर या पृष्ठीय सतह पर कोई भी कण मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी है ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, ये तीनों इसिनोफिल्स बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी, ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसके पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसे छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं भैया, ये लो भैया। तो केंद्रक के आधार पर मैंने आपको बता दिया, अब आज तो समय हो चुका है क्योंकि वैसे ही 40 मिनट हो चुकी है कि नहीं है, ज़्यादा आप भी परेशान हो जाते हो। कल भैया इस चैप्टर का लगभग लगभग हम एंड कर देंगे, हो सकता है कल ये चैप्टर समाप्त हो जाए, उसके बाद में कोशिका वाला मैं आपको चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि कोशिका से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब किसी भी बुक के या किसी भी सब्जेक्ट के जब अच्छे अच्छे चैप्टर पर आपकी पकड़ हो जाती है ना, फिर वहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना कम रहती है। जैसे कि अगर आप रेलवे का इतिहास उठाकर देखते हो तो रेलवे में मुख्य रूप से ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग से, एक ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स से, पोषक तत्वों से जैसे कि विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, इन सभी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कोशिका वाला चैप्टर हो गया, बोटनी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बोटनी से नामात्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, छोटी सी क्लास हुई है 40 मिनट की, लेकिन 40 मिनट में आपने लगभग लगभग संपूर्ण डब्ल्यूबीसी याद कर ली है। चैप्टर पढ़ना है तो जाकर पढ़ लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा भैया। तो आज यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले अगर चार चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
और कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनका आंसर देते हो या नहीं देते। अब बार बार बताने से तो क्या होता है भैया, कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, शाम 6 बजे फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो। 4-5 हज़ार स्टूडेंट हर रोज देते हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों पर हर रोज आंसर देते हो तो बायोलॉजी और फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या आपके एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।